Hello dear students, hope you are very well. I am your Ishfaq sir and you are watching my YouTube channel Ishfaq sir's physics concept classes. तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स बट इन द सेगमेंट ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने फ्लूइड डायनेमिक्स आज पढ़ना है, तो उसका पहला लेक्चर तो मैंने दिया है, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड जब फ्लो करेगा तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो जब हमने उसको स्टडी किया तो वहां पर हमने वो वाला फ्लूइड ले लिया, वो वाली फ्लो ले ली उसकी जिसमें वो स्ट्रीमलाइन रहता है, जिसमें उसका जो फ्लो है वो स्टडी रहता है, वो इरेगुलर नहीं बल्कि रेगुलर रहता है। तो वहां पर उस स्ट्रीमलाइन फ्लो की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी और एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था ये कि जहां पर स्ट्रीमलाइन इज वेरी क्लोज होंगी, यानी कि नजदीक नजदीक होंगी स्ट्रीमलाइंस, तो वहां पर फ्लो की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और जहां पर ये जो स्ट्रीमलाइंस है ये दूर दूर होंगी तो वहां पर जो फ्लो की स्पीड होगी वो कम होगी। तो इसी को आज, इसी प्रॉपर्टी को आज प्रूव करेंगे बट थ्रू अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड मैं आपको यह भी बता दूं कि फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यह आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिलेगी और डे टू डे लाइफ में वो बहुत देखने को मिलती है, बट आप पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझिए, उसके बाद आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज दैट विल बी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है, ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है और वो प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये चीज याद रखिएगा। कुछ बच्चे बोल रहे कि सर आप बोर्ड एग्जाम्स पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मैं बोर्ड एग्जाम्स एज फार एज द बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न तो वो चीज मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, बट आपको ये भी पता है कि जो एंट्रेंस वगैरह होते हैं तो वो भी बोर्ड के ही रिलेटेड होते हैं। जब आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब जाके आप वहां पर वो कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। जब यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज हैपनिंग हियर तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसका मतलब यह है कि आप पहले बोर्ड एग्जाम्स की जो है वो तैयारी अच्छे से करिएगा, उसके बाद जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके लिए आप थोड़ा बहुत अपना न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ाइएगा तो आप निश्चिंत रहिए, फिर आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। बट इट डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया। तो दैट इज व्हाई हम ये चीजें इतना बोर्ड में दिया गया होगा ताकि आप ये पूरा का पूरा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। तो बहुत अच्छा, ये इन पे भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आज जो ये टॉपिक है अब व्हाट इज इट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट आपको मैंने ये बोला कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तब तक आप नहीं कर पाएंगे, इसको आप तब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे, स्टेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप एक चीज को मद्देनजर नहीं रखेंगे, और वो क्या है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कभी कभार आपको यह पूछा जा सकता है कि ऑन विच ऑफ द लॉ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि ये इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या बोलते हैं वो बाद में बता दूंगा, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो आपने बहुत सारे इस ये लॉज पढ़े हैं तो वहां पर आपने ये चीज भी पढ़ा होगा कि मास रिमेन इज कंजर्व्ड, सो बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या कहता है, तो ये आपको ये प्रूव करके देता है कि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, अगर किसी पाइप में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वहां जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो नजदीक नजदीक होंगी, तो ये कह रहा है कि वहां पर जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी तो ये वही प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, ये वही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है कि जहां पर स्ट्रीम लाइन्स क्लोज होती है, क्लोजर होती है एक दूसरे को, तो वहां पर फ्लो की स्पीड बढ़ जाती है, और जहां पर
फ्लूड की जो स्ट्रीमलाइंस है वो दूर दूर होंगी, तो वहां पर फ्लूड की जो स्पीड होती है वो कम होती है। तो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो आगे देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको ऐसा प्रोविजन लेना पड़ेगा कि जहां पर एक जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए और दूसरी जगह ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वहां पर क्या होगा, स्ट्रीम लाइन क्लोज होगी, क्योंकि हमने उसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है। और दूसरी जगह आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाइएगा, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रीम लाइन है वो दूर दूर होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर दूंगा। मैं एक पाइप लेता हूं, ये प्रोविजन, ये चीज करने के लिए कि स्ट्रीमलाइनेज एक जगह पे क्लोज होंगी और दूसरी जगह दूर दूर होंगी। तो वो कैसे मैं अटेन करूंगा? तो इसलिए मैं एक पाइप लेके आऊंगा, मगर पाइप भी कैसे लेके आऊंगा, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जिसके थ्रू पानी जा रहा है, जिसके थ्रू फ्लूड जा रहा है, वो मैं वेरी कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर एक पाइप लेता हूं। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे पाइप ले रहा हूं, आपको बाद में पता चलेगा कि व्हाट इज सर एक्चुअली डूइंग। तो आपकी मर्जी, आप किसी तरह की भी शेप ले सकते हैं। तो बताइए आपको इस पाइप से क्या लग रहा है, कि इस पाइप से आपको यही लग रहा है कि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है और यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है, तो अलग अलग है। क्यों मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग रख दिया? ताकि मैं वो चीज लेके आऊं कि यहां पर जो पानी की जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो क्लोज होंगी और यहां पर दूर दूर होंगी। ठीक है ना, तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि यहां पर जो स्पीड होगी फ्लो की वो कम होनी चाहिए और यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रीमलाइन दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड हियर। ठीक है, चलो चलो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो सेक्शन है यहां पर, चलो इस सेक्शन को मैं पी मानता हूं। सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन पी। अरे जो जब सेक्शन सॉरी तो क्या करता हूं मैं कि मैंने यहां पर एक सेक्शन डाल दिया। ठीक है, और वो जो सेक्शन है ऐसे मैंने काटा इस पाइप को, तो यहां पर ये आपको दिखा एंड दैट सेक्शन इज डिनोटेड बाय पी आर्गेडमी। और यहां पर ये लंबी पाइप थी और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन था, तो यहां पर मैंने एक और कट मारा। तो वो कैसे मारा? उसके लिए मैंने यहां पर एक शीट लाया, चलो उसका नाम था क्यू। उसका नाम क्या था? क्यू। सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन क्यू। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि दो शीट्स मैंने लाए ऐसे ऐसे, और यहां पर ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां से जो पानी जाएगा ये एरिया होगा। ये किसका एरिया होगा जरा बताइए? इट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा। तो सपोज इस एंड का जो मैं यहां पर ले रहा हूं, सपोज इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए वन है। आर्गेडमी, और यहां पर से जो फ्लूड जा रहा है, क्योंकि हम फ्लूड को स्टडी कर रहे हैं, बट फ्लूड इज इन मोशन, वो फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब कि यहां से फ्लूड जाएगा और यहां से निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर मैं कंटेनर नहीं ले रहा हूं, यहां पर मैं पाइप ले रहा हूं। आपको पता है कि जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे या फ्लूड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, वहां पर मैं कंटेनर लेता था, और यहां पर मैं कंटेनर नहीं लूंगा, यहां पर मैं पाइप लूंगा और पाइप के थ्रू पानी को चला दूंगा, क्योंकि हम फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं पाइप भी ले रहा हूं। ये चीज याद रखिए कि सर क्या क्या ले रहा है। ठीक है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? A1, कॉमन सेंस है और दिख ही रहा है। ठीक है, और यहां पर जो फ्लूड की वेलोसिटी है इस सेक्शन पे, सपोज वो V1 है, यहां स्पीड जो है वो कितनी है? V1 है, V1 स्पीड है यहां पर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं पहले जनरल में ये मान के चलूं कि यूथस या स्पीड से सच अलग, यूथस या स्पीड से सच अलग। ठीक है, और यहां पर जो फ्लूड है, चलो मैं मानता हूं कि जो यहां से एंटर हो रहा है, चलो उसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 है। So, are you getting me? So, ये जो मैंने सेक्शन यहां पर लिया पी सेक्शन इस पाइप का, तो वहां पर मैंने तीन पैरामीटर्स डिफाइन किए। एक लिया A1, A1 मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V1 मीन्स वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द फ्लो एट द सेक्शन P, एंड ρ1 मीन्स डेंसिटी ऑफ द फ्लूड जो यहां से जा रहा है, बट उसकी जो डेंसिटी है सपोज दैट इज ρ1 एट द सेक्शन। ठीक है, और जब यही फ्लूड यहां से जाएगा, तो यहां से एंटर हुआ, तो इस क्यू से क्या होगा? बाहर होगा, बिल्कुल। चलो जब ये बाहर होगा, तो इसका इस सेक्शन पे, चलो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, चलो मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 लेता हूं, और यहां पर अगर इसकी स्पीड जब ये एंटर हो रहा था तो V1 स्पीड के साथ ये एंटर हो रहा था, इन जनरल की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर जो स्पीड है चलो मैं मानता हूं वो V2 है। हां, ये जरूरी नहीं है कि V1 मस्ट बी इक्वल टू V2 इज डिफरेंट फ्रॉम V2, ये सेम भी हो सकते हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि वो डिफरेंट होने चाहिए, तो इसलिए मैं इन जनरल मैं ये मान के चल
चलता हूं कि यहां V1 है और यहां V2 है, ठीक है, बहुत अच्छा। और चलो मैं ये मान के चला कि इस सेक्शन पे जो इस फ्लूड की डेंसिटी है वो है रो वन और इस सेक्शन पे जो इसकी डेंसिटी है वो रो टू है। आरगेडीमी, तो मैंने इन जनरल ले लिया, ये इक्वल भी हो सकते हैं बट मैंने इन जनरल लेना है, ठीक है, और तब जाके मुझे कोई यहां पर कंक्लूजन मिलेगा कि क्या रो वन रो टू के बराबर है, क्या वी वन वी टू के बराबर है। बट एक ही चीज मुझे पता है, दैट इज ए वन इज नॉट इक्वल टू ए टू। मैंने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्यों ले लिया डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, वो आपको पता है यहां पर जो स्ट्रीम लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो क्लोज होंगी, बट आपको पता है कि जो स्ट्रीम लाइन्स होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और यहां पर यही जो स्ट्रीम लाइन्स है ये देखिएगा आप, वो दूर दूर होंगी, अब होगी कि नहीं, यहां देखिए आप, क्योंकि फ्लो को, अब एक फ्लो को आप जियोमेट्रिकली, एक स्ट्रीमलाइंड फ्लो को या एक रेगुलर फ्लो को अगर आप जियोमेट्रिकली दिखाते हैं तो आप इन स्ट्रीमलाइन से दिखाते हैं। जरा मुझे बताइए, व्हाट इज हैपनिंग एट द पी सेक्शन, स्ट्रीमलाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाट इज हैपनिंग एट द क्रॉस सेक्शन क्यू, तो स्ट्रीमलाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है प्रॉपर्टी में, यहां पर जो वी टू है वो कम होना चाहिए और यहां पर ये जो वी वन है ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने अलग अलग क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक है। इतना सब समझ में आया, बहुत अच्छा। चलो अब ये क्या कर रहा है, ये फ्लूड क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लूड जो है ये यहां पर फ्लो कर रहा है, यानी कि आगे जा रहा है, मोशन में है, हम फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात ये है कि जो मैं यहां पर फ्लो कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि फ्लो आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, और स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है, इरेगुलर फ्लो जिसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोल सकते हैं वो भी हो सकता है, बट आपको पता है कि अभी हमारा इनिशियल स्टेज है फ्लूड डायनेमिक्स में और हम कौन सा फ्लो पढ़ रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और यहां पर ये जो फ्लो है जो इस पाइप के थ्रू फ्लो जा रहा है, जो फ्लूड का फ्लो है वो कौन सा फ्लो है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहली बात यह कि आपको मानना पड़ेगा ये जो मैं फ्लो ले रहा हूं दैट इज फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, ये चीजें याद रखना, तब जाके आप आगे कंपीट कर सकते हैं। अगर आपको बस फार्मूला याद है और बोल रहे कि चलो हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप ये चीज याद रखेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मोर। आरगेडमी, उसके लिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात क्या है कि हमने जो फ्लो लिया वो कैसा लिया, स्ट्रीमलाइन। और यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कि इन ऑर्डर टू गेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या एज फार एज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंसर्न, विच फ्लूड इज टेकन, वहां पर लिखा होगा नीचे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, आरगेडमी। सो ये चीजें आपको याद में रखना है, नहीं जब भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जहां पर कंसीडर करते हैं तो यहां पर जो फ्लूड हम लेते हैं, जो फ्लो हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, वो स्ट्रीमलाइन लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। ये मैंने स्ट्रीमलाइन लिया तो इसीलिए मैंने ये जो स्ट्रीमलाइन बनाए, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्ट्रीमलाइन बना सकते हैं और स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट आपको यहां पर पता है कि यहां पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन है तो अलग अलग स्ट्रीमलाइन की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगी, यहां पर वो नजदीक होंगे, यहां पर वो दूर दूर होंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या है, ये क्या कर रहा है, फ्लो, अगर ये फ्लो कर रहा है ये मोशन में, बिल्कुल है मोशन में, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इस फ्लो को क्या कर रहा हूं, स्टडी, क्योंकि हम फ्लूड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने फ्लो को, फ्लूड को स्टडी करना है बट इन मोशन, यानी कि फ्लो को स्टडी करना है। चलो मैं जब इसको मैं स्टडी कर रहा हूं, चलो मैं डेल्टा टी टाइम के लिए इसको स्टडी कर रहा हूं, यानी कि अभी फ्लूड कहां पे था, पी पे था, तो वो गया, आगे गया, पाइप में घुसा, और कितने टाइम के लिए मैं उसको स्टडी कर रहा हूं, डेल्टा टी टाइम के लिए। चलो कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी, सो व्हाट इज द डेल्टा टी, इट इज द टाइम फॉर विच आई एम स्टडीइंग दिस फ्लो, जितने देर तक मैं इस फ्लो को एनालाइज कर रहा हूं, चलो वो टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो यहां पर जो मैं टाइम ले रहा हूं, तो टाइम, तो वो कितना ले रहा हूं, डेल्टा टी, मतलब कि मैं ये देख रहा हूं कि इतने टाइम में कितना फ्लूड आगे जा रहा है, उसी को मैं स्टडी कर रहा हूं, कैसे जा रहा है वो चीजें मैंने स्टडी करनी है। तो टाइम इंटरवल मैंने कितना लिया, डेल्टा टी, इतने देर के लिए मैं क्या करूंगा, इतने देर के लिए मैं इस फ्लो को स्टडी करूंगा, ठीक है। जब डेल्टा टी टाइम हुआ, इट मे बी 1 सेकंड, इट मे बी 2 सेकंड, इट मे बी 5 सेकंड, आरगेडमी, इट मे बी डिफरेंट टाइम इंटरवल, आरगेडमी, बट इन जनरल वी कैन टेक इट एज डेल्टा टी, आरगेडमी, बहुत अच्छा। तो कितना टाइम लिया मैंने, डेल्टा टी, जब डेल्टा टी टाइम लिया, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, v1, अरे पी सेक्शन पे क्या स्पीड है फ्लो की,
V1 और कितने टाइम के लिए मैं स्टडी कर रहा हूँ, डेल्टा टी टाइम के लिए, ये बहुत कम हो सकता है। तो एज फॉर एच डी मतलब कि जो हम स्टडी कर रहे हैं इंटेंस स्टडी, जहाँ तक वो कंसिडर कर रहे हैं हम, तो आप ये टाइम कम ले सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो स्पीड है वो वैरी ना करे, क्योंकि आपको पता है ये वैरी कर सकती है। तो इसलिए मैं टाइम कम ले रहा हूँ, टाइम इंटरवल कम ले रहा हूँ जिसमें इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो डेल्टा टी टाइम पे जो पी सेक्शन पे फ्लूड अंदर आ रहा है डेल्टा टी टाइम में, तो किस स्पीड के साथ आ रहा है, V1 स्पीड के साथ आ रहा है, V1 स्पीड के साथ आ रहा है, तो बताइए ये कितना अंदर घुसेगा, मतलब कि कितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा। सो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन पी को स्टडी कर रहा हूं यहां पर, मतलब कि बाद में क्यू को स्टडी करेंगे, पहले किसको करेंगे, पी को, मगर कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए। तो डेल्टा टी टाइम पे जब मैं इस फ्लूड को स्टडी कर रहा हूं, ये अंदर आया कि नहीं आया, किस स्पीड के साथ, V1 स्पीड के साथ, कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, तो ये तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आगे जाएगा, चलो ये यहां से यहां तक गया, ये इतना नहीं गया होगा, बहुत कम गया होगा, बट मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, चलो ये यहां से यहां तक गया। तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड एट क्रॉस सेक्शन पी, एट क्रॉस सेक्शन पी इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम में ये कितना अंदर घुसा। सो फ्लूइड नहीं, आप लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड, बाय द फ्लूइड व्हाइल एंटरिंग एट सेक्शन पी, सेक्शन पी पे जब ये अंदर आ रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कितना आगे जाएगा इन टाइम, कितने टाइम के लिए, इन टाइम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम के लिए ये कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, यहां पर ये कितना आगे जाएगा, तो वो कैसे आप निकालेंगे, तो उसके लिए तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और अगर आपको डिस्टेंस निकाली है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, खत्म बात। और आपको पता है कि इसकी स्पीड पी सेक्शन पे कितनी है, कितनी है, V1, और कितने टाइम के लिए, टी डेल्टा टी के लिए, तो V1 इनटू डेल्टा टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड व्हाइल कमिंग या व्हाइल एंटरिंग इनटू द पाइप एट सेक्शन पी, तो कितना ये आगे आया इतने टाइम में, सो दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, वो डिस्टेंस, वो होगी V1 डेल्टा टी। अरे कुछ समझ में आया, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम विल बी द डिस्टेंस, आर यू गेटिंग मी, बहुत अच्छा। अब कितना ये आगे घुसा, ये इस पी सेक्शन पे फ्लूड कितना घुसा, ये घुसा इतना यहां से यहां तक, तो वो कितना है, वो डिस्टेंस V1 डेल्टा टी, मैं इधर लिखता हूं V1 डेल्टा टी। अब जब ये इधर इतना घुसा, आगे इतना गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A1, तो आपको डिस्टेंस पता है ये आगे कितना गया, और ये भी पता है कितने एरिया में गया, आर्गेडमी, तो आप मुझे बताइए डेल्टा टी टाइम में ये कितना वॉल्यूम अंदर घुसा। अभी तक मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोल रहा था, अब मैं बोल दूंगा कितना वॉल्यूम अंदर घुसा, आप बोलेंगे कि सर एरिया इनटू दिस डिस्टेंस एट दिस डिस्टेंस इन टाइम डेल्टा टी। सो अब यहां पर हमने क्या निकाला था, पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब मुझे एक बात बताइए तो वॉल्यूम कितना एंटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटरिंग एट किस सेक्शन पे, एट पी इन टाइम, कितने टाइम में, इन टाइम डेल्टा टी, तो कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है। अभी आपने देखा कि कितना ये डिस्टेंस कर रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, तो उसके लिए आपको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एरिया से, सो दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज V1 इंटू डेल्टा टी, डिस्टेंस आया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज A1, सो A1 V1 डेल्टा टी। व्हाट इज दिस थिंग इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट सेक्शन पी इंटू द पाइप, मगर कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए, क्योंकि डेल्टा टी टाइम के लिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डेल्टा टी टाइम के लिए ये इतना वॉल्यूम अंदर आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। पहले आपने डिस्टेंस निकाली, उसके बाद आपने वॉल्यूम निकाला, अब मैं कह रहा हूं कि अब आपको वॉल्यूम भी पता, अब मुझे बता मास कितना अंदर आया, क्योंकि ओवरऑल मैंने क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कम जरूर आएगा। मैं देखूंगा डेल्टा टी टाइम के लिए, मैंने ये देखा कि डेल्टा टी टाइम के लिए पहले कितना घुसा, उसके बाद मैंने ये निकाला कि डेल्टा टी टाइम के लिए ये कितना वॉल्यूम अंदर आया, और उसके बाद मैं ये निकालूंगा कि डेल्टा टी टाइम के लिए ये जितना ये अंदर आया उसका मास कितना है। सो नाउ माई टॉपिक विल बी मास ऑफ द फ्लूइड,
mass of the fluid entering, entering at P, P सेक्शन पे कितना मास अंदर आया, मगर कितने टाइम में, इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी में आपको पता है कि कितना वॉल्यूम आया। अब मैं कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कितना मास अंदर आया डेल्टा टी टाइम में। आप बोल मतलब कि ये जो ये फ्लूड यहां से यहां तक अंदर आए ना, तो इसका मास निकालना है। अब तो अब आप कहेंगे कि सर मास कैसे निकलेगा, वॉल्यूम तो पता है, बट आपको पता है कि यहां पर डेंसिटी कितनी है, रो वन, और आपको यह पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको मास निकालना है कि दैट इज मल्टीपल, दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट बिटवीन डेंसिटी एंड वॉल्यूम। हाउ मच इज द डेंसिटी एट द सेक्शन पी, एंड इट इज रो वन। लिखा डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम कितना है, ए वन वी वन डेल्टा टी। व्हाट इज दिस थिंग, दिस थिंग इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इन, एंटरिंग एट पी इन टाइम डेल्टा टी। आर यू गेटिंग मी, डेल्टा टी टाइम के लिए कितना वॉल्यूम अंदर घुसा, अंदर फ्लूइड आया, ठीक है। और जब रो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको बोलेगा कि डेल्टा टी टाइम में कितना मास अंदर आया। मैं वो भी नहीं निकालूंगा, मैं ये निकालूंगा कि एक सेकंड में कितना मास अंदर आया, तो उतने डेल्टा टी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे ये डेल्टा टी टाइम के लिए इतना मास अंदर आया, मैं बोल रहा हूं कि एक सेकंड के, एक सेकंड के लिए या यूनिट टाइम में कितना मास अंदर आया, तो इस टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। आ रही गड़ी में, बहुत अच्छा। अब मैं क्या लिखता हूं यहां पर, पहले क्या निकाला मैंने यहां पर, ये सब चीजें याद रखिएगा। मैं सेक्शन पी को स्टडी कर रहा हूं अभी। अब मुझे पहले ये बताओ, मैंने पहले निकाला ये कितना अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद मैंने वॉल्यूम निकाला डेल्टा टी टाइम के लिए, उसके बाद मैंने निकाला मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट पॉइंट पी या एट सेक्शन पी इनटू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी, तो मास भी निकला डेल्टा टी टाइम के लिए। अब मैं मास ही निकालूंगा मगर यूनिट टाइम के लिए। सो नाउ मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग, एंटरिंग एट पीस, इस पी सेक्शन पे कितना मास आ रहा है इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड के लिए कितना मास अंदर आ रहा है, और हमें पता है कि डेल्टा टी सेकंड के लिए इतना आ रहा है, तो एक सेकंड के लिए कितना होगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा टी से। सो दैट विल बी इक्वल टू, यही यानी कि रो वन ए वन वी वन डेल्टा टी। ये हो गया मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट पी इन टू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी सेकंड, मगर हमने यूनिट टाइम में निकालना, यूनिट टाइम में, तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, वो विल गेट रो वन ए वन वी वन। आर्गेडमी इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस थिंग, रो वन ए वन वी वन, इट इज द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट सेक्शन पी इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना मास ऑफ द फ्लूइड अंदर आया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सिमिलरली, सिमिलरली इन द सेम वे, इतना मास ऑफ द फ्लूइड बाहर जाएगा। आर यू गेटिंग मी, सो दिस इज द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट पी इन यूनिट टाइम। और ऐसे ही जो मैंने अभी तक लिखा, ऐसे ही यहां पर डेल्टा टी टाइम को स्टडी करिएगा, और डेल्टा टी टाइम ही ले लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि यहां पर अंदर आ रहा है तो वहां पर कितना बाहर निकलेगा, फिर कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा डेल्टा टी टाइम के लिए, फिर कितना मास निकलेगा डेल्टा टी टाइम के लिए बाहर, और फिर यूनिट टाइम के लिए कितना मास बाहर निकलेगा। तो अब सिमिलरली मैं यहां पर लिखता हूं, आप बराबर यही लिख सकते। तो सिमिलरली, सिमिलरली मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड, ऐसे ही आप अगर चलेंगे तो मास ऑफ द फ्लूइड यहां पर एंटरिंग था, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो लेफ्ट करेगा। आर यू गेटिंग मी, तो मैं इधर दिखाता हूं, वो लेफ्ट कर रहा है। सो मास ऑफ द फ्लूइड लेफ्ट लीविंग, लीविंग एट या लीविंग क्रॉस सेक्शन क्यू या लीविंग एट क्यू, लीविंग एट क्यू, इस क्यू पे, इस क्यू सेक्शन पे यूनिट टाइम में कितना मास लेफ्ट करेगा, मास ऑफ द फ्लूइड इन टाइम, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, वो कितना होगा। सर यहां पर डेंसिटी है रो वन, वहां पर है रो टू, अरे देखिएगा, और यहां पर है ए वन, वहां पर होगा ए टू, और यहां पर है वी वन, तो वहां पर क्या होगा वी टू। व्हाट इज दिस थिंग, ये चीज क्या है, ये चीज आपको बोलता है कि यूनिट टाइम में कितना मास बाहर निकला, मास ऑफ द फ्लूइड, और ये बोल रहा है कि ये वाला कि यूनिट टाइम में एक सेकंड में कितना मास अंदर आया। बट एज फार एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज फार एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या बोलेगा, जितना यूनिट
टाइम में, जितना एक सेकंड में मास ऑफ द फ्लूइड अंदर आएगा उतना एक सेकंड में मास ऑफ द फ्लूइड दूसरे सेक्शन पे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। अरे जितना अंदर आया उतना बाहर निकलेगा यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि यहां पर पाइप में कहीं पे सिंक या सोर्स नहीं है। सिंक या सोर्स का मतलब यह है कि यहां पर कहीं पे मास ऑफ द लीकेज नहीं है। सो देयर इज नो एनी लीकेज, आई मीन टू से देयर इज नो एनी सिंक, देयर इज नो एनी सोर्स। सोर्स का मतलब कि कहीं एक और पाइप यहां पर नहीं जुड़ रही है, ठीक है। तो जब ऐसी स्थिति नहीं है कि ना सिंक है कहीं पे इस पाइप में और ना सोर्स है, तो एक सेकंड में जितना मास अंदर आया एज फार एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक सेकंड में उतना मास बाहर निकलना ही चाहिए। सो यहां पर क्या करेंगे अप्लाई अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो एज फार एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कंसर्न्ड, सो मैं यहां पर लिखता हूं एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, जितना मास एक सेकंड में अंदर आया उतना मास एक सेकंड में बाहर निकलना ही चाहिए, ठीक है। सो इसका मतलब कि रोहवन विहवन एवन, आरगेडमी रोवन वी वन ए वन मस्ट बी इक्वल टू रोह टू वी टू ए टू, आर गेटिंग मी। सो व्हाट इज दिस थिंग, मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इनटू दिस पाइप पर सेकंड, आर गेटिंग मी। एंड व्हाट डज दिस मीन, मास ऑफ द फ्लूइड लीविंग द पाइप पर सेकंड, आर गेटिंग मी। बहुत अच्छा, ये एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होना चाहिए। बट आपको पता है कि यहां पर जो फ्लूइड है, यहां पर जो फ्लूइड है उसके लिए हम एक और चीज कहते हैं कि ये जो फ्लूइड यहां पर है उसके लिए हम एक और चीज एज्यूम करते हैं कि ये जो फ्लूइड है इट इज इनकंप्रेसिबल। ये क्या है, इनकंप्रेसिबल। तो एक और एजम्पशन लेते हैं हम, पहली एजम्पशन ये लेते हैं कि ये जो फ्लूइड फ्लो है वो स्ट्रीमलाइंड है, और दूसरी एजम्पशन ये लेते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है वहां पर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही पॉइंट पूछे जाते हैं, बाकी तो उनको पता है कि इसने कैसे डिराइव किया है, बट ये पॉइंट इसका खास क्या रखे। और यहां पर जो फ्लूइड हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल। अगर आप इनकंप्रेसिबल भी नहीं लेंगे तो फिर ये वाली चलेगी, ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। बट आप यहां पर जो फ्लूइड ले रहे हैं, ये जो लिक्विड ले रहे हैं, तो लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास तो चेंज नहीं हो रहा है। जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मतलब इट इज इनकंप्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो रहा है। अगर कंप्रेस हो जाएगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज इनकंप्रेसिबल। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, मास भी चेंज नहीं हो रहा है, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर रोह वन यहां पर है, यहां पर रोह टू है, तो रोह वन मस्ट बी इक्वल टू रोह टू एज फार एज द इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इज कंसर्न। सो फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, इसका मतलब क्या है कि रोह वन इज इक्वल टू रोह टू, रोह वन इज इक्वल टू रोह टू। तो यहां पर अगर हम रोह वन इज इक्वल टू रोह टू लेंगे, सो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर मैं इधर लिखता हूं, मुझे लगता है कि आपको दिखेगा नहीं, सो फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड रोह वन इज इक्वल टू रोह टू, देयर फोर यहां पर क्या आ जाएगा, तो रोह वन अगर रोह टू के बराबर है तो ये कट जाएगा। तो व्हाट विल बी हियर, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, एंड दिस थिंग, दिस रिलेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मगर मैं आपको यहां पर बता दूं, इट इज नॉट ओनली द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। रोह वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रोह टू वी टू ए टू, इट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड। बट इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेक्स दिस फॉर्म, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। बट हम यहां पर लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, वो मोटे मोटे तौर पर इनकंप्रेसिबल होते हैं, तो रोह वन इज इक्वल टू रोह टू, तो हमारे लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बनेगी, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। व्हाट डज दिस मीन, कि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको वेलोसिटी यानी कि स्पीड के साथ इस सेक्शन पे मल्टीप्लाई करिएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको मल्टीप्लाई करिएगा वहां पर क्या स्पीड है उसके साथ। तो ये प्रोडक्ट AV जो प्रोडक्ट है ये कॉन्स्टेंट रह रहा है, मतलब कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू A3V3 इज इक्वल टू A4V4। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया इनटू वेलोसिटी इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, आर यू गेटिंग मी। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2 का मतलब यह है कि A into V is equal to constant. So what does this mean?
इसका मतलब यह है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको यह बोल रही है कि फॉर अ फ्लूड कौन सा फ्लूड, स्ट्रीमलाइंड फ्लूड, फॉर अ स्ट्रीमलाइंड फ्लूड इन अ वेरिएबल पाइप, जो फ्लो कर रहा है कैसे, जो फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइंड फ्लो कर रहा है मगर कैसे, इन अ पाइप, मगर वो पाइप कैसी होगी, वेरिएबल पाइप, वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप आर्गेडमी, तो क्या होगा कि प्रोडक्ट बिटवीन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड द वेलोसिटी रिमेन इज द कॉन्स्टेंट एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, अलग अलग सेक्शन पे ए वी का मल्टीप्लाई करिएगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग सेक्शन पे क्या होगा, अलग अलग एरिया, और अलग अलग एरिया पे क्या होना चाहिए फिर, अलग अलग स्पीड, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे वो कांस्टेंट रह रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आप बोलेंगे कि सर ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है ए इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, सही बात है कि नहीं, या डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड ऑफ द फ्लो एट दैट क्रॉस सेक्शन, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, अरे सही बात है, कॉन्स्टेंट को हटाओ प्रोपोर्शनलिटी को बुलाओ, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ कॉन्स्टेंट को बुलाओ, तो व्हाट डू वी गेट, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द फ्लो, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर स्पीड ज्यादा होगी, ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब वापस आ जाइएगा उस फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को जो मैंने कल बोला था कि स्ट्रीमलाइन की क्या प्रॉपर्टी है, जहां पर वो क्लोज होगी, जहां पर वो क्लोज दी स्पेस होगी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, तो वहां पर मैंने बोला था कि स्पीड ज्यादा है, तो यहां पर क्या निकल रहा है कि वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर द स्पीड ऑफ द फ्लूड एट दैट पॉइंट इज, या एट दैट सेक्शन इज स्लो, आर गेटिंग मी, तो ये चीज है, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इज explaining the fourth property of the streamlines, that is streamlines are closer at the, if the streamlines are closer at any section, so this means that the speed of the flow at that point, yeah, at that section is more, to jahan par ye zyada close honge wahan par area of cross section kam hoga, aur area of cross section jahan par kam hoga wahan par speed zyada hogi, to yahi maine kal bola tha, to aaj wo prove ho gaya। ab aap bolenge ki sir ye kahan pe, ye day to day life हमें दिखता है कि नहीं दिखता, अरे क्यों नहीं दिखता, आप एक काम करिए, तो जब आप अपने बगीचे में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहां पर आपको वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पर उनको पानी देना पड़ता है, तो आपके पास वो पाइप होती है, तो उसका वो माउथ भी होता है, सही बात, तो आप यहां पर बैठे हैं तो आपने वहां दूर लगाना है क्या पानी, तो आप क्या करते हैं, आप उस पाइप के सामने अपना ये ठेंगा जो है आगे रखते हैं, तो उससे क्या होगा, उस पाइप का जो अभी तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इतने से पानी बाहर बह रहा था, अरे गड़ी, अब आपने इतने पे क्या रखा, अंगूठा अपना रखा, तो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या किया, कम, अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम किया व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी, वो तो ज्यादा होगी, तो दैट इज व्हाई वो जो फ्लूड है, अब वो जो पानी निकल रहा है जब आप उस पे अंगूठा दबा देते हैं उस नोजल पे, तो वो पानी बहुत दूर जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अरे गड़ी, आपने ये चीज भी तो देखा होगा कि जो झरने होते हैं, जो झरने होते हैं, तो वो उनके वहां पर जो पानी होता है उसकी जो उस पानी की डेप्थ जो होती है वो बहुत कम होती है झरने पे, तो क्या होता है कि वो तेज बह रहा है, बट एज फार एज द लेक्स आर कंसर्न, एज फार एज द पॉन्ड्स आर कंसर्न, तो अगर आप वहां पर देखेंगे वो बहुत गहरे होते हैं, लेक्स जो होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, या समंदर को ले लीजिएगा या ओशन को ले लीजिएगा, वो बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, तो मगर वो बहते ही नहीं है, उनकी स्पीड जो वहां पर जो वाटर होता है वो स्पीड स्लो चल रहा है, वो तेज नहीं चल रहा, बट जो झरने होते हैं, जो स्ट्रीम्स होते हैं, जो नदियां होते हैं, वो तेज बहते हैं, तो ऐसा क्यों है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप स्ट्रीम पे जाते हैं या एक नदी पे जाते हैं या एक झरने पे जाते हैं तो वो शैलो होता है, अगर ये ग्राउंड है तो पानी की डेप्थ ही इतनी होती है, इतनी डेप्थ है, तो इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सही बात, तो डेप्थ कम है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ठीक है, तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है व्हाट कैन यू से अबाउट स्पीड, तो स्पीड ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई जो स्ट्रीम्स है वहां पर जो फ्लूड चलता है, जो पानी है वो तेज बह रहा है, क्योंकि वो शैलो है, शैलो का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। अगर अब हम लैग की बात करेंगे तो लैग की इतनी डेप्थ होती है, सही बात है कि नहीं, तो ये लैग की डेप्थ है, तो एरिया, ये जो लेंथ है वो मैं सेम ले रहा हूं स्ट्रीम के लिए भी, इसके लिए भी, अब मुझे बताओ क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने में से पानी बह रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, तो इतने से पानी बह रहा है ना, तो डेप्थ ज्यादा है, इतनी डेप्थ है, तो
ये लेंथ है, तो व्हाट डज वी गेट, वी गेट द एरिया, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या ये लेक या पॉन्ड या एक समुंदर के लिए क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है? बिल्कुल, जितना वो डीप होगा उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। तो व्हाट हैपेंस टू द स्पीड, सो स्पीड इज स्लो, सो दैट इज व्हाई समंदर, या आप भी यहां पर जाइए डल लेक पे जाइए, तो वहां पर जो पानी है वो धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली चल रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी स्पीड कम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो जब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा दिखेगा ना, तो ये चीज याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है। अगर डेप्थ ज्यादा होगी, डीप वाटर्स होंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो स्पीड कम होगी। तो जब भी आप कहीं पे जाएंगे, अगर आपने पानी धीरे धीरे बहता हुआ देखा, तो आप जल्दी उसमें मत घुसिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर डेप्थ ज्यादा होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। और जहां पर ये बहुत तेज से चलता है, तो वहां पर आपको पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी स्मॉलर, तो वहां पर आप चल सकते हैं, बट यू नो वेरी वेल स्पीड इज मोर। तो दिस इज नथिंग, दीज आर द इफेक्ट्स और दीज आर द सिचुएशन वेयर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी गेट्स होल्ड। ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं ये सारी एग्जाम्पल्स, बट आपको पता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आर्गेडमी, तो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में तो आपने ये चीज भी देखा होगा, कभी कभार क्या होता है, पंक्चर होता है, टायर पंक्चर होता है, तो वहां पर जो जब पंक्चर होता है, तो वहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो बहुत कम होता है, तो आपको पता है कि कितनी तेजी के साथ हवा चलती है वहां से, तो एयर बहुत तेजी के साथ निकलती है, तो आपको सुनाई भी देता है वो हवा, वो जो वहां से निकलती है, तो इतनी तेजी के साथ चलता है, तो क्यों वहां पर तेज चलता है, क्योंकि एयर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर। सो व्हेन द एयर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉलर, स्पीड विल बी मोर एंड यू मे बी एबल टू हियर दैट साउंड और गेट मी ऑन दैट नॉइज, तो जो वहां से निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट आपने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तब तक नहीं चलेगा, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तेज क्यों चल रहा है, जब डीप वाटर्स होंगे तो तब ये स्लो क्यों चल रहा है, और जब शैलो वाटर्स होंगे यानी कि डेप्थ कम होगी तब ये तेज क्यों चल रहा है? इन ऑर्डर टू कंजर्व द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि मास कंजर्व रहे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि दैट इज अ जनरल प्रिंसिपल, तो उस पे ये काम कर रहा है, दैट इज व्हाई ऐसी चीजें हो रही है, एंड हमने इसका नाम क्या रखा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बट यहां पर मैं एक और पॉइंट को ऐड करना चाहता हूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो फिर वहां पर एक बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए कि सर व्हाट इज दिस थिंग। तो आपको पता है कि अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, एरिया इनटू वेलोसिटी एट दैट सेक्शन, ये उस सेक्शन पे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत अच्छा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब मैं क्या करता हूं, इस एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और इस वेलोसिटी का यूनिट क्या है, या स्पीड का यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड। जब हम इसको देखते हैं, इस क्वांटिटी को देखते हैं, a इनटू v को, तो द यूनिट इज कमिंग आउट टू बी मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब, ये सेकंड है, मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड, सो इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज द, ये किसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, इट इज द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम पर सेकंड, सो इसका मतलब है वॉल्यूम पर सेकंड। सो av एरे इनटू वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर सेकंड, एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है या कितना वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड आ रहा है एक सेकंड में, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरे में, दूसरी भाषा में हम ये कहेंगे कि एरे इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरे इनटू वेलोसिटी का मतलब ये भी है, एरे इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब ये भी है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लो या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग, this is what, volume of fluid flowing per second, जिसको हम rate भी बोलते हैं, flowing per second remain is constant, this is also what, this is also the equation of continuity। equation of continuity क्या बोलती है, area into velocity remain is constant, और आप अगर इसको देखेंगे, what do we get, volume of the fluid flowing per second, हर सेकंड, प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम जा रहा है, दैट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एंड इस चीज को हम, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड को हम एक और क्वांटिटी से जानते हैं, फ्रॉम द इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड को हम एक और नाम देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज। सो डिस्चार्ज रिमेन इज कांस्टेंट,
डिस्चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर आपको कोई पूछेगा साफ साफ शब्दों में बताइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोल रही है, आप एक ही बात बोलना कि डिस्चार्ज ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब उसके बाद वो जाने ना जाने के डिस्चार्ज किसे कहते हैं। डिस्चार्ज इज नथिंग, दिस इज द रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड आर घड़ी में पर सेकंड, कितनी तेजी के साथ वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज। और उसी को क्या बोलते हैं, एरिएंट वेलोसिटी। सो ये तीनों के तीनों याद रखना। कभी कभार आपको वेलोसिटी और एरिया नहीं पता होता है, वो नहीं देता, वो बोलता है कि डिस्चार्ज इज दिस थिंग, तो आप उस टाइम परेशान मत होइएगा कि ये डिस्चार्ज क्या है, आप सीधे लिखिएगा एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट थिंग जो भी डिस्चार्ज होगा, क्योंकि डिस्चार्ज इज नथिंग, इट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। और डिस्चार्ज का यूनिट क्या होगा अब, मीटर क्यूब पर सेकंड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से लीटर पर सेकंड। आर गेटिंग मी? तो ये चीज आप याद रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंसर्न। वहां पर ये चीजें नहीं लिखते हैं, वहां पर ये डिस्चार्ज नाम लिखते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये डिस्चार्ज क्या है। डिस्चार्ज इज नथिंग, दैट इज एरिया इनटू वेलोसिटी। आर गेटिंग मी? तो इसलिए आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आपके बोर्ड पे निर्भर करते हैं कि आपका बोर्ड कैसा है, आपको बोर्ड में कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो वो उस बेस पे वो देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज नॉट डिफरेंट थिंग फ्रॉम द बोर्ड। आर गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा तो दैट इज वे मैं ये बार बार इस लेक्चर में ये बोल रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में क्या क्या रिलेशन है। दीज आर टोटली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जिसका बोर्ड अच्छे से समझ में आया होगा उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम केक वाक है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करना पड़ता है कि बोर्ड के साथ साथ और प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है, और ज्यादा न्यूमेरिकली अप्रोच बनाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट तो सीख गए आप लोग। आर गेटिंग मी? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।